लगातार ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं आप, सीधी लाइव तस्वीर आपको गांव सिसमोर से दिखाई जा रही है। इस टाइम विकास सर हम बात करा तो सिसमोर में मौजूद है, और सिसमोर की बात करा तो भाई कितने की देखो आगे विकास करा पाएंगे और दिला में छा पाएंगे। नमस्कार विकास। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर पहले तो गाँव दर गाँव जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, कैसा देख रहे हो लोगों का रुझान? अभी मैं सिसमोर गांव में बैठा हूं जी, और जो रुझान है सारा गांव एक तरफा है जी। लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और लोग नु कह रहे हैं भाई चिंता ना करें, आधे तो परमत हूँ और सारे एक तरफा है। यदि बात करें आपके पिताजी के साथ देख रहे हो या युवाओं का साथ देख रहे हो? मेरे पिताजी का तो मेरे पास आशीर्वाद है ही, और जो मेरे पिताजी के साथी हैं वो मेरे लिए पितातुल्य बुजुर्ग हैं, उनका भी प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और जो मेरे हम उम्र भाई हैं वो भी मेरे साथ लगे हुए हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। कहीं ना कहीं लोगों के पास जाते हैं, युवाओं के पास जाते हैं, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा चिंता रोजगार की रहती है, कितने की देखते हो रोजगार दिला पाओगे युवाओं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि 2 लाख पद जो खाली पड़े हैं हम उन्हें पक्की नौकरियां देंगे युवाओं को। हमारी अपील है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी का राज आएगा हमारी कोशिश होगी, जो डोंकी का चलन हमारे इलाके में चल गया, बच्चे अपनी ज़मीनें जायदाद बेच के बाहर जा रहे हैं, वो हम कम करने की कोशिश हमारी होगी। अनुराग डांडा एक बयान आया उनका, भाई विकास सारण का रेट और जीरी का रेट दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ऐसा है जी, जिस जो हंसी उनके मुंह पे, पहली बात तो उनको किसान का दर्द समझना चाहिए कि भाई जीरी का रेट गिर रहा है तो किसान के साथ क्या बीत रही है। ये तो किसान विरोधी लोग हैं, और वह है भी नहीं कलाए तलके के, बाहर के लोग हैं, इन पर क्या कमेंट करना है। लोगों के बीच गए हो, क्या क्या समस्याएं दिखी? लोगों के बीच में जाके मैंने ये चीज़ पता लगा लोगों से, पहले से ही था कि भाई कलाए तलके में कोई काम नहीं हो रहा। 2 जनवरी 2020 को मैंने मेरा अनाउंस हो गया था कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस दिन रैली में आए थे, और जब से मैं लगातार लोगों के बीच हूँ, चाहे कोरोना काल हुआ, सैनिटाइज़र बांटने हो, कंसंट्रेटर देने हो, या फिर लंगर चलाना हो लोगों के लिए, हर काम मैं कलाए तलके में रह के किया और जनता के लिए किया, और लोगों का मुझे इसलिए आशीर्वाद मिल रहा है। तो एक अपील लोगों के लिए, मेरा सभी से, हमारे कलाए तलके की पूरी जनता से एक ही अपील है कि इस बार आप अपने बेटे को आशीर्वाद दें, और जो भारतीय जनता पार्टी और इनकी बी टीम में घूम रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई पार्टी लड़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और पार्टियां तो इनकी बी टीम के तौर पे काम कर रही हैं, तो मुझे अपना आशीर्वाद दें, 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट हाथ के निशान पर दें। तो आप भी कैसा देखते हो, और यदि बात करें रोजगार की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कौन दिला सकता है स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा? जय हिंद, जय जवान, जय किसान।